नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल चैम्स क्राफ्ट में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी अस्थमा या दमा से आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। अस्थमा या दमा यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अस्थमा सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि कम उम्र के बच्चों को भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगी 3 होम रेमिडीज जिनको अगर आप यूज़ करते हैं किसी भी एक को, तो आपको दमा या अस्थमा की जो भी शिकायत है उससे काफ़ी जल्दी राहत मिलेगी। पहला है फ्रेंड्स शहद। दमा या अस्थमा को दूर करने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर यदि आप इसको पीते हैं तो इससे आपका का दमा या अस्थमा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा शहद को लेकर और उसे सूंघने से भी सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अदरक भी काफ़ी फायदेमंद होती है। अदरक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है जो आपकी सांस लेने वाली दिक्कतों को दूर करता है। तो आप इस उपाय को करने के लिए आपको गर्म पानी में अदरक के टुकड़ों को डालना है और फिर इस पानी में 2 से 3 लहसुन की कली भी डालनी है और इस पानी को सुबह शाम पीने से आपको अस्थमा की बीमारी से आराम मिलेगा। इलायची खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उतनी ही बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होती है और बड़ी इलायची खाने से आपकी हिचकियां और दमा की बीमारी को आराम मिलता है। अदरक और इलायची को मिलाकर इसकी चाय बनाकर पीने से सांस से संबंधित बीमारियां भी नहीं होती हैं, चाहे वो दमा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को वो रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस को मिस ना कर पाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।